टीवी के पॉपुलर कुकिंग शो लाफ्टर शेफ में हर दिन कोई नया हादसा हो रहा है। बीते दिनों एक्ट्रेस रीम शेख का चेहरा तेल से जल गया था, फिर फेमस कॉमेडियन सुदेश लहरी के साथ एक बड़ा हादसा हुआ जिन्हें चाकू लग गया। रिपोर्ट के मुताबिक शो में कुकिंग करते वक्त निया शर्मा के हाथ में जो चाकू था वो गलती से सुदेश लहरी को लग जाता है, जिस वजह से उनकी उंगली कट गई। सुदेश लहरी को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। हालांकि शो पर लगी चोट के बावजूद सुदेश लहरी ने शूटिंग नहीं रोकी और उस दिन का शूट पूरा किया। जबकि हाल ही में रिलीज हुए शो के प्रोमो में सिंगर राहुल वैद्य आग की लपटों से घिरे नजर आए। शो के सेट से राहुल वैद्य का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुकिंग करते हुए राहुल के पैन में आग लग गई। आग की लपटें राहुल के चेहरे तक आ गईं, जिसके बाद राहुल जोर से चिल्लाने लगे। प्लेटफॉर्म पर आग लगी देख सभी कंटेस्टेंट घबरा गए। निया शर्मा से लेकर जन्नत जुबैर तक सहम गईं। ऐसे में रीम के बाद राहुल के साथ बड़ा हादसा देख फैंस उनकी सेफ्टी को लेकर काफी परेशान है। एक यूजर ने उनकी चिंता जताते हुए कहा, ये बहुत डरावना है, उम्मीद है कि राहुल ठीक होंगे। वहीं दूसरा बोला, रीम के बाद अब राहुल, नजर लगी है शो को। अन्य बोला, शो दिनों दिन काफी डेंजरस होता जा रहा है। जबकि एक गुस्से में बोला, दे शुड स्टॉप मेकिंग फन नाउ, समवन मस्ट बी अफेक्टेड सीरियसली। एक ने कहा, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इनको नहीं आता तो इन्हें गाइडेंस देनी चाहिए, अगर कोई जल जाए तो। इससे पहले शो पर एक्ट्रेस रीम शेख हादसे का शिकार हुई थी। खाना बनाते वक्त उनके चेहरे पर गर्म तेल गिर गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी कई तस्वीरें शेयर की थी। उनके चेहरे पर काफी घाव नजर आ रहे थे जो कि अभी उनके चेहरे पर मौजूद हैं, जिन्हें वो मेकअप के जरिए छुपाती हैं। रीम शेख ने इंस्टाग्राम पर अपने जले हुए चेहरे की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, 3 सितंबर 2024 को मेरे साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, लेकिन भगवान ने मुझे एक ऐसी दुर्घटना से बचाया जो मेरी जिंदगी बदल सकती थी। चमत्कार क्या होते हैं, अल्लाह की प्लानिंग और टाइमिंग, जहां वो आपको बचाती है। उन्होंने मुझे आज बचाया, जिसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं, वरना मेरी जिंदगी तो तबाह हो जाती। वेल, रीम के बाद सुदेश लहरी राहुल के साथ हादसा देख फैंस काफी घबरा गए हैं, जो कि मेकर्स को सेफ्टी का ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन आपको इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।